तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन में कोई भी पेमेंट एप्लीकेशन होना चाहिए, जैसे फ़ोनपे, पेटीएम या फिर गूगल पे। चूँकि मेरे पास फ़ोनपे एप्लीकेशन है, इसलिए मैं आपको फ़ोनपे से पैसा कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है इसके बारे में बताने वाला हूँ। वैसे तो सभी पेमेंट एप्लीकेशन में सेम ही प्रोसेस होता है, तो अगर आपके पास कोई दूसरा पेमेंट एप्लीकेशन है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि किसी दूसरे ऐप के ज़रिए पैसा कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसके लिए फ़ोनपे एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो दोस्तों, सबसे ऊपर मनी ट्रांसफ़र के कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला है मोबाइल नंबर। तो दोस्तों आप जिसके अकाउंट नंबर में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अगर उसका फ़ोनपे अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आप उसका मोबाइल नंबर ऐड करके भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पर अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है जिसका फ़ोनपे अकाउंट बना हुआ नहीं है, जिसके लिए आपको बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको बेनिफिशियरी ऐड करना होगा। बेनिफिशियरी का मतलब है कि आप जिसके भी अकाउंट में अपना पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसके अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी होगी, जैसे बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और उसका नेम। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले ऐड बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसके बैंक अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन फिल करता हूँ। इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं कि मैंने जिस भी व्यक्ति का बैंक अकाउंट ऐड किया था वो मेरे मोबाइल में ऐड हो चुका है। और इसके बाद आपको जितना भी अमाउंट ऐड करना है उस व्यक्ति के अकाउंट में क्लिक करके आप यहाँ पर अमाउंट ऐड कर सकते हैं। चूँकि मुझे आपको सिर्फ दिखाना है, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ एक रुपया ऐड करके दिखा रहा हूँ। तो आप इसके बाद आपको सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ आपसे 4 डिजिट का पासवर्ड मांगा जाएगा, और ये वही पासवर्ड है जिसके बिना आप फ़ोनपे से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। इसी पासवर्ड की मदद से आप फ़ोनपे के जरिए किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और जिसे कि UPI पिन कहा जाता है। इस पासवर्ड को आपको खुद ही बनाना पड़ता है, और अगर आपने इस पासवर्ड को नहीं बनाया तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको यह बता दूँगा कि यह पासवर्ड कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, आप यह देख सकते हैं कि मैंने जिस भी व्यक्ति का अकाउंट में पैसा सेंड किया तो वो पैसा अभी ट्रांसफ़र हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब हम बात करते हैं कि आप अपने लिए UPI पिन कैसे सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको पेफोन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। और यहाँ आपको सबसे ऊपर आपकी प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक कर देना, और यहाँ आपको बैंक अकाउंट वाला ऑप्शन शो करेगा, यानी जिस भी बैंक अकाउंट को आपने ऐड कर रखा है उस बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ आपको UPI पिन के बगल में रीसेट पिन और चेंज पिन का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। और अगर आपने अभी तक अपने UPI पिन नहीं बनाया तो इसके लिए आप रीसेट पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ आपको अपने ATM कार्ड के कुछ इन्फॉर्मेशन को देना है, जैसे ATM कार्ड के लास्ट 4 डिजिट और एक्सपायरी मंथ और ईयर। इसको ऐड करने के बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है आपको, और इस तरह आप अपने लिए UPI पिन क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको अपने UPI पिन को चेंज करना है तो इसके लिए आप चेंज वाले बटन पर क्लिक करके UPI पिन चेंज कर सकते हैं। कुछ इसी तरह आप भी किसी के भी मोबाइल फ़ोन में या किसी भी के भी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी बिना किसी टेंशन के। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपको फ़ोनपे एप्लीकेशन के इस्तेमाल से रिचार्ज कैसे किया जाता है, बिल पेमेंट कैसे किया जाता है, इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल है तो उसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।